सेगांव विकासखंड के संकुल केंद्र गोलवाड़ी के अंतर्गत बालक प्राथमिक विद्यालय में पिछले 12 वर्षों से एक दृष्टि बाधित शिक्षक सेवकराम मंडलोई जो जन से कुछ देख नहीं सकते हैं, लेकिन आज भी प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन कर रहे 31 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इस विद्यालय का परिणाम भी 100% रहा है। और एक विशेष बात यह भी है कि उनकी धर्मपत्नी भी जन से दृष्टि बाधित है और खरगोन औरकपुरा स्कूल में शिक्षक है। शिक्षक सेवकराम मंडलोई ने बताया कि वो कभी भी अपने अंधत्व के कारण निराश नहीं हुए। बुरहानपुर जिले में भी शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां शासकीय और निजी विद्यालयों में शिक्षकों का सम्मान कर उन्हें तोहफा भेंट किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने भी बच्चों को कड़ी मेहनत की सफलता की कुंजी बताया। उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र में वीर तेजाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान तेजाजी महाराज के स्थान पर भव्य सजावट के साथ महाआरती की गई, साथ ही दूरदराज से आने वाले भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया। खाचरौद राजस्थान के खरनाल में जन्मे श्री सत्यवीर तेजाजी महाराज की जयंती तेजादशमी का पर्व नगर सहित अंचल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तहसील के गांव छोटा चिरोला में स्थित अतिप्राचीन तेजाजी महाराज के मंदिर पर भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। वहीं आसपास के गांव से भक्त मन्नत पूरी होने पर छतरी व निशान लेकर पहुंचे और महाआरती की। इंदौर जिले के महू स्थित लिटिल एंजल स्कूल में भी शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सोलंकी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल की डायरेक्टर दीपाली त्रिवेदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में अपने जीवन के अनुभव एवं गुरुओं को याद किया। शाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलाना में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। मौके पर छात्र छात्राओं ने संस्थान को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया। सर्वप्रथम छात्रों ने संस्थान के विद्यालय के शिक्षकों को फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत गान गाकर स्वागत किया। उसके बाद माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बैतूल जिले के भैंसदेही में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती शिक्षक दिवस के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष रानू राठौर के नेतृत्व में गुरुजनों का सम्मान किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने नगर के नवीन सीएम राइज स्कूल पहुंचकर समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का गुलदस्ता देकर एवं शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इंदौर जिले के बेटमा में सत्यवादी लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिरों पर भादों की दशमी पर बड़ा मेला लगा। इसी श्रृंखला में बेटमा के राजबाड़ा चौक स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने तेजाजी मंदिर पर अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। बेटमा के साथ ही ग्राम कराड़िया, रावद, सेजवानी, धुरेटी, दंतोदा, कलारिया, गोहान आदि स्थानों पर भी मेला लगने के साथ ही मन्नतों की छतरी गई। लोक देवता तेजाजी के निर्वाण दिवस को बदनावर क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अपने लोक देवता तेजाजी के प्रति श्रद्धा एवं आस्था देखने को मिली। ग्राम कठोड़िया से निशान निकाले गए एवं बदनावर स्थित तेजाजी मंदिर पर निशान चढ़ाए गए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर अपनी हैरतअंगेज कलाओं का प्रदर्शन भी अखाड़े के माध्यम से ग्रामीण युवाओं ने किया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय नावघाट खेड़ी संकुल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वाह में शिक्षक दिवस मनाया गया। केआर वर्मा पीटीआई ने बताया कि शिक्षक दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर सिंह दरबार, सरपंच एवं विशेष अतिथि देवेश ठाकुर, उप सरपंच नावघाट खेड़ी द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया।